संवेदनशील सरकार की मिसाल बनी मोदी सरकार। प्याज की कीमतों में उछाल देखते ही हरकत में आई मोदी सरकार। संकट के समय काम आया मोदी का कूटनीतिक दाव। अफगानिस्तान से भारत आने लगा प्याज। मोदी सरकार की ताकत गुड गवर्नेंस है। बीते 5 साल से ज्यादा कार्यकाल में महंगाई को काबू रखने में मोदी सरकार सफल रही है। बीते 1 सप्ताह से प्याज की कीमतों में उछाल देखा जा रहा था। कीमतों में ये उछाल देख तुरंत मोदी सरकार हरकत में आई। मोदी सरकार ने 24 रुपए प्रति किलो से ज्यादा भाव में प्याज ना बेचने का फरमान जारी किया है। इसके लिए मोदी सरकार ने नेफेड को हर जगह सस्ते भाव में प्याज की डिलीवरी करने का भी निर्देश दिया है। प्याज की आपूर्ति को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने अफगानिस्तान से भी आग्रह किया था। मोदी सरकार की इस आग्रह को अफगानिस्तान ने तुरंत मानते हुए प्याज की डिलीवरी भारत में शुरू भी कर दी है। देश की पश्चिमी सीमा से लगे सूबे पंजाब के विभिन्न शहरों में पिछले कुछ दिनों से अफगानी प्याज बिकने भी लगा है। व्यापारिक सूत्रों के मुताबिक इस समय अमृतसर और लुधियाना में अफगानी प्याज 30 से 35 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। एक दो दिन में दिल्ली की मंडियों में भी अफगानी प्याज की आमद शुरू हो जाएगी, जिससे प्याज की कीमतों में और गिरावट आएगी। याद हो कि पीएम मोदी ने जब केंद्र की सत्ता संभाली थी तब उनका पहला फोकस पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते को मजबूती देने का था। बीते 5 सालों में एक देश को छोड़ ये कहा जा सकता है कि भारत के रिश्ते आज दुनिया भर के देशों के साथ मजबूत हुए हैं।